सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। अगर किसी इंसान से दूर होने के बाद भी आप उसे नहीं भूल पा रही हैं तो इसकी वजह सिर्फ प्रेम है। जहां सफर सच्चाई का होगा वहां बेशर्मी के कांटों से पाला जरूर होगा। यदि आप वही कर रही हैं जो आप हमेशा से करते आई हैं तो आपको वही मिलेगा जो आपको हमेशा से मिलते आया है। अगर रोग इश्क का होगा तो वह आपको बर्बाद कर देगा और अगर रोग किताबों का होगा तो वह आपको आबाद कर देगा। आज का पंचांग 19 नवंबर 2023 दिन रविवार, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि सुबह 7:23 तक रहेगी। इसके उपरांत सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। श्रवण नामक नक्षत्र रात्रि 8:48 तक रहेगी। इसके उपरांत धनिष्ठा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय शाम 4:16 से 5:36 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:40 से 12:30 तक रहेगा। आज चंद्रमा मकर राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृश्चिक राशि पर रहेंगे। आप सभी को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। मकर राशि 19 नवंबर 2023 दिन रविवार, आज आप बहुत साहसिक अनुभव कर रही हैं और अपना रास्ता खुद बनाने के लिए तैयार हैं। आप अपनी इच्छा शक्ति से सब मुश्किलों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। आज आपकी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता, इसीलिए अपने सभी मुश्किल काम आज करने की योजना बनाए। सफलता आपके कदम चूमेगी। प्रॉपर्टी अथवा वाहन की खरीद बिक्री संबंधित कोई गतिविधि चल रही है तो आज उससे संबंधित कोई कार्य हो जाएगा। मार्केट में रुकी हुई पेमेंट की वसूली करने के लिए भी समय अनुकूल है। संतान की तरफ से कोई सुखद समाचार मिलने से मन सुखद रहेगा तथा सकारात्मकता आएगी। जब तक किसी बात के लिए आप तैयार नहीं हैं, तब तक इसके चर्चा अन्य लोगों के साथ ना करें। जरूरी बातों में लचीलापन लाने की आवश्यकता है। आपकी इच्छा शक्ति बढ़ने से स्थिति बदलेगी। खुद के लिए जो बातें महत्वपूर्ण हैं, उन पर ध्यान देते रहें। काम अपेक्षा के अनुसार आगे बढ़ता रहेगा। रिलेशनशिप से जुड़ी हर एक परेशानी दूर होगी। रिलेशनशिप में नयापन आएगा। यूरिन या किडनी संबंधी तकलीफ भी हो सकती है, पूरा ख्याल रखें। सावधानियां, दूसरों के बातों में आकर आप अपना नुकसान कर सकते हैं। बेहतर होगा कि किसी भी परेशानी में किसी वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह जरूर लें। विद्यार्थी लोग इस बात पर ज्यादा ध्यान दें कि इस समय पढ़ाई के अलावा अन्य जानकारियां भी हासिल करना जरूरी है। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी के बीच घर की व्यवस्था को लेकर कुछ नोकझोंक रहेगी। युवाओं के प्रेम संबंध मधुर और मर्यादित रहेंगे। जहाँ तक संबंधों का सवाल है, दिन अच्छा रहेगा। आप अपने पार्टनर के साथ एक शांत समय का आनंद ले पाएंगे। जो आपके पास है उसी के साथ खुशियाँ मनाएं। छोटे मोटे घरेलू कामों में अगर आप पार्टनर की सहायता करेंगे तो आपके संबंध में इससे एक तरह की संतुष्टि आएगी, जिससे आपको खुशी और आपके प्यार को एक नया आयाम मिलेगा। बात करती है करियर की। यह समय महान प्रभाव के लोगों के साथ वार्तालाप करने के लिए अति उत्तम है। आप इन लोगों से जितना संवाद बढ़ा पाएं बढ़ाएं, क्योंकि एक बेहतर जगह तक पहुंचने के लिए या अपने वर्तमान स्थिति का उन्नयन करने के लिए ये बहुत जरूरी है। आप अभी काफी दुविधा में हैं कि ये अवसर आपकी धन वृद्धि कर सकते हैं कि नहीं, या आप उन्हें पकड़ पाएंगे कि नहीं, लेकिन आप उम्मीद का दामन ना छोड़े और अपनी मकसद के लिए प्रयास करना जारी रखें। व्यवसाय संबंधित कोई योजना को साकार करने का उचित समय है। सफलता के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। किसी भी फोन, ईमेल आदि को नजरअंदाज न करें। कोई बेहतरीन ऑर्डर या एग्रीमेंट मिल सकते हैं। फाइनेंस संबंधित कार्य सावधानी से करें। बात करते हैं सेहत की। वर्तमान मौसम से अपना बचाव रखें। गले में एलर्जी और खांसी जुकाम की शिकायत रहेगी, अपना उचित इलाज लें। आपको संक्रमणों की काफी आशंका है, इसीलिए अब यह बहुत जरूरी है कि आप अपने छोटे मोटे दैनिक प्रयोग की चीजें जैसे साबुन तौलिया अलग ही रखें। यहाँ तक कि एक ही कंघी का प्रयोग करने से भी संक्रमण हो सकता है। आपको अपनी सेहत और रोग प्रतिरोधक क्षमता में
सुधार के लिए विटामिन सप्लीमेंट लेने चाहिए। संक्रमणों की आशंका से बचने के लिए अपने घर में खूब अच्छे से साफ सफाई रखें। आज का उपाय, आज आप मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर खिलाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।